फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये रेसिपी आपको पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ मीठा बनाते हैं जो कि ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है। तो चलिए आज बनाएंगे शीर खुरमा। ये खीर की तरह नहीं है और खीर है भी नहीं, ये कुछ अलग ही है और सबसे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैंने ले लिया है खजूर, तो खजूर को मैंने बहुत ही बारीकी से काट लिया है। साथ में हमें चाहिए बादाम, इनको भी बारीकी से काटना है। उसके साथ हमने लिया है काजू के टुकड़े, साथ में हमें चाहिए पिस्ते, और यहाँ पर किशमिश लिया है मैंने। साथ में चाहिए चिरौंजी, चिरौंजी अगर आपके पास है तो इसमें ज़रूर डालें। साथ में हमें चाहिए सैफ्रन, सैफ्रन इसमें ज़रूर से डालें। तो यहाँ पर एक पैन गरम कर लिया है मैंने, फिर उसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच घी। घी मेल्ट होते ही उसमें ऐड कर देंगे काजू, बादाम, चिरौंजी, पिस्ता। तो अभी इन सब ड्राई फ्रूट्स को हमें अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ना इसमें से अच्छी खुशबू आए, पर इसका कलर हमें चेंज नहीं करनी है। गैस का फ्लेम मीडियम लो रखें, हमें इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने खजूर और किशमिश को छोड़ के बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है, तो इसे अच्छी खुशबू आने तक हमें मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करना है। तो इसमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अभी ये फ्राई हो चुके हैं, तो इसमें थोड़ी सी जगह बना लेंगे और फिर उसमें ऐड कर देंगे सेवैया। ये बहुत ही बारीक वाले सेवैया है जो एकदम पतला पतला होते हैं और रोस्टेड मिलते हैं बाज़ार में, ये वही वाला सेवैया है। तो इसे भी हल्का सा घी के अंदर फ्राई करके तैयार कर लेंगे। और इस रेसिपी के लिए ऐसी पतली सेवैया की ही ज़रूरत होती है। जो मोटे वाले सेवैया होते हैं उससे ये अच्छे नहीं बनेंगे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और इसमें से बस हल्का सा खुशबू आना चालू हो जाए और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, तब तक हमें इसे फ्राई करना है लो फ्लेम पर। तो ये हो गए हैं तो इसे साइड में रख देंगे। फिर हमें चाहिए दूध। यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है 1 लीटर, और इस रेसिपी के लिए फुल फैट मिल्क की ही ज़रूरत होती है, इसे स्किम्ड मिल्क में ना बनाएं। तो पहले दूध को हाई फ्लेम में गर्म कर लेंगे, इसे हमें उबालना नहीं है, बस पहले गर्म करना है। और दूध गर्म होते ही इसमें डाल देंगे आधा कप चीनी यानी कि शुगर। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें, मैंने आधा कप डाला है। और इसे थोड़े से चला देंगे ताकि चीनी जल्दी जल्दी डिज़ोल्व हो जाए। और फिर उसके बाद इसमें हमें ऐड करना है ड्राई फ्रूट्स। तो इसके लिए इसमें डाल देंगे खजूर, खजूर भी मीठे होते हैं तो मीठा बहुत संभाल के डालें। खजूर डालने के बाद इसे थोड़ी सी चला देंगे, दबा देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। खजूर सबसे पहले ही डालें क्योंकि ये जब दूध के अंदर घुल जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छी स्वाद लाते हैं। तो इसे थोड़ी सी चला देंगे, गैस का फ्लेम हाई रख के ही हमें ये काम करना है जब तक कि ना दूध में उबाल आए। फिर इसमें डाल देंगे किशमिश और साथ में इलायची का पाउडर, आधा चम्मच मैंने इलायची का पाउडर लिया है। तो मैंने 5-6 इलायची को मिक्सी में घुमा लिया है और फिर उसे छान के पाउडर निकाल लिया है। छाना इसलिए जाता है ताकि वो उसमें जो मोटा मोटा पार्टिकल्स रहते हैं ना वो अलग हो जाए, तो इसके लिए इसे छान लेना ज़रूरी है। तो इसे थोड़ी देर चला देंगे और फिर उसे तेज़ आंच में उबाल आने देंगे। तो दूध में उबाल लाना पहले बहुत ज़रूरी है, गर्म रहते ही सारे चीज़ों को मिला दे और फिर उसमें उबाल लाए। तो दूध में उबाल आ चुके हैं और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम लो कर दिया है। इसे बीच बीच में चलाते रहे ज़रूर ताकि दूध तलवे पे ना लगे। दूध अगर तलवे पे लग जाते हैं तो इसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते हैं। तो फिर इसमें उबाल आ चुके हैं और फिर इसमें ऐड कर देंगे फ्राई की हुई सेवैया और ड्राई फ्रूट्स। तो सब चीज़ों को एक ही बार में मिक्स कर देंगे, गैस का फ्लेम लो रखें नहीं तो दूध उबाल के बाहर भी आ सकते हैं। तो इसे डालने के बाद हमें और कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, इसे बस
मिला देनी है और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। अभी जब तक कि ना दूध गाढ़ा हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम में अभी हमें इसे नहीं पकाना है। तो जब जब आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक हो गए है इस तरह से, तब तक हमें इसे पकाना है। यहाँ पर सेवैया भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है और दूध भी काफ़ी गाढ़ा बन चुके हैं, तो हमें इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है। गैस का फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि ये जितना ठंडा होते जाएंगे और ज़्यादा गाढ़ा बनते जाएंगे। तो इसी स्टेज में गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और उसमें डाल देंगे एक चुटकी भर सैफ्रन और साथ में एक चम्मच गुलाब जल। ये दो चीज़ डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छे आते हैं। सैफ्रन की खुशबू और गुलाब जल की खुशबू मिलके इस शीरखुरमा को बहुत ही अच्छी टेस्ट देते हैं। तो इसे मिला देंगे अच्छी तरह से और फिर उसके बाद इसे रूम टेम्परेचर में पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे और फिर 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि एकदम चिल्ड बन जाए और उसके बाद हम इसे ठंडा ठंडा सर्व कर देंगे। ये ठंडा गर्म दोनों में ही अच्छे लगते हैं पर मैं ठंडा ठंडा सर्व करना पसंद करती हूँ। और ये देखिए 2 घंटा फ्रिज में रखने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी थिक क्रीमी बन जाते हैं जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें और फिर मुझे बताइए कि आपकी शीरखुरमा कैसी बनी है।